हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैं सोनी के कैमरे में जो सारे ऑटो फोकस मोड्स आपको देखने को मिलता है, उन सारे ऑटो फोकस मोड को मैं एक एक करके एक्सप्लेन किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं सोनी के कैमरा में जो ऑटो फोकस एरिया मोड्स आपको देखने को मिलता है, जैसे कि वाइड, जोन, सेंटर फिक्स, स्पॉट, एक्सपैंड स्पॉट, ट्रैकिंग, इन सारे ऑटो फोकस एरिया मोड्स को मैं एक एक करके विद प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट और सिचुएशन के हिसाब से कौन सा ऑटो फोकस एरिया मोड आपको कब यूज़ करना चाहिए। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली आप कैमरा में ऑटो फोकस एरिया मोड को चेंज करके कैमरा को ये बताते हैं कि सब्जेक्ट और सिचुएशन के हिसाब से कैमरा उसके सारे ऑटो फोकस पॉइंट्स को किस तरह से यूज़ करेगा। तो यहाँ पे सोनी के ऑटो फोकस एरिया मोड्स के मेनू के अंदर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है वाइड। यहाँ पे मैं बता दूँ, अभी जो मैं ऑटो फोकस मोड में हूँ वो है AFC और मैं ऑलवेज कैमरा को AFC मोड में ही रखता हूँ, क्योंकि मैं बैक बटन फोकस को यूज़ करता हूँ। अगर आप बैक बटन फोकस को यूज़ करते हो तो आपको बार बार AFC या AFS मोड में से चेंज नहीं करना पड़ता है। तो ये मैं बैक बटन फोकस के वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे वाइड AF एरिया मोड में कैमरा उसके सारे AF पॉइंट्स को एक्टिव रखता है, जैसे कि इन केस ऑफ सोनी A7 Mark IV कैमरा में उसके ऑल 759 फेस डिटेक्स ऑटो फोकस पॉइंट्स एक्टिव रहता है, और इसलिए कैमरा इंटायर फ्रेम में से आपका सब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और उसको फोकस कर लेता है। जनरली अदर ब्रांड्स के कैमरे में जो वाइड एरिया AF है वो इतना रिलायबल नहीं है, पर यहाँ पे सोनी का AF सिस्टम इतना बढ़िया है और इसके ऑटो फोकस पॉइंट्स ऑलमोस्ट टोटल फ्रेम को ही कवर करके रहता है, और सोनी का जो सब्जेक्ट डिटेक्शन AI है वो इतना सुपीरियर है कि ये वाइड AF एरिया मोड में आपका सब्जेक्ट को बहुत ही क्विकली और फास्ट डिटेक्ट कर लेता है और उसको फोकस भी कर लेता है। तो बेसिकली ये जो AF एरिया मोड है ये फ्रेम के सेंटर में ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, और उसके बाद अगर फ्रेम में कोई फेस है उसमें प्रायोरिटी देता है, और उसके बाद हाई कॉन्ट्रास्टी पोर्शन पे प्रायोरिटी देता है। तो अगर आप कोई लार्ज सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो या ऐसा कोई सब्जेक्ट शूट कर रहे हो जो आपका फ्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर किया हुआ है, या अगर आप कोई स्लो मूविंग सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो जिसका मूवमेंट प्रेडिक्टेबल है, या अगर आप कोई लार्ज बर्ड को बिल्कुल क्लियर बैकग्राउंड में शूट कर रहे हो, या अगर आप सेल्फ शूटिंग कर रहे हो, या आपका फ्रेम में सिंगल पर्सन है, तो उस सिचुएशन में आप इस ऑटो फोकस एरिया मोड को यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इस ऑटो फोकस एरिया मोड को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये काइंड ऑफ ऑटोमेटिक मोड है और थोड़ा सा अगर क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है तो कैमरा दूसरे जगह पर फोकस करने का चांसेस रहता है। सो एज आई सेड, वाइड AF एरिया मोड में कैमरा उसके सारे ऑटो फोकस पॉइंट्स को एक्टिव रखता है और आपका सब्जेक्ट को इंटायर फ्रेम में से डिटेक्ट करता है और उसको फोकस करता है। पर यहाँ पे इनकेस ऑफ जोन AF एरिया मोड, यहाँ पे आपका फ्रेम में एक जोन या एक स्क्वायर एरिया देखने को मिलता है और कैमरा उस जोन के अंदर का जो ऑटो फोकस पॉइंट्स है उसको ही एक्टिव रखता है, और आपको भी उस स्क्वायर एरिया या उस जोन को आपका सब्जेक्ट के ऊपर या आपका सब्जेक्ट को उस जोन के अंदर लाना पड़ता है ताकि कैमरा उसको डिटेक्ट और फोकस कर सके। यहाँ पे आप आपका कैमरा का जॉयस्टिक को या मल्टी सिलेक्टर को यूज़ करके इस जोन को 9 डिफरेंट एरिया में भी मूव कर सकते हैं। तो ये जो जोन AF एरिया मोड है ये वाइड AF एरिया मोड से ज़्यादा फर्स्ट और रिलायबल है, क्योंकि यहाँ पे आप कैमरा को स्पेसिफाई कर दे रहे हो कि मेरा जो सब्जेक्ट है ये इस जोन के अंदर है, तो कैमरा सिर्फ उस जोन के अंदर ही आपका सब्जेक्ट को डिटेक्ट या ट्रैक करने का ट्राई करता है। इसका मतलब एनीथिंग आउटसाइड दिस जोन में कैमरा फोकस नहीं करेगा, इवन अगर आपका कैमरा में सब्जेक्ट आई डिटेक्शन ऑन भी है तभी अगर आपका सब्जेक्ट इस जोन के बाहर है तो कैमरा उसमें फोकस नहीं करेगा। अगर आप कोई मीडियम या लार्ज साइज स्टेडी या मूविंग सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो, या अगर आप कोई मीडियम या लार्ज साइज बर्ड को बिल्कुल भी क्लियर बैकग्राउंड में ट्रैक कर रहे हो, मेरा मतलब सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, या अगर आप फोरग्राउंड में कुछ एलिमेंट्स लेके क्रिएटिव पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो,
तो उस सिचुएशन में आप जोन एफ एरिया मोड को यूज कर सकते हो। मैं इस ऑटो फोकस एरिया मोड्स को भी ज्यादा यूज नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी आपको कंप्लीट कंट्रोल नहीं मिलता है। यहाँ पे उस जोन के अंदर कैमरा ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट को डिटेक्स और ट्रैक करता है। तो इसके बाद जो ऑटो फोकस एरिया मोड्स आपको देखने को मिल रहा है वो है सेंटर फिक्स। तो बेसिकली इस ऑटो फोकस एरिया मोड में कैमरा उसके फ्रेम के सेंटर पोर्शन में बहुत ही स्मॉल एक जोन का ऑटो फोकस पॉइंट्स को एक्टिव रखता है और आपको भी इस ऑटो फोकस एरिया मोड में आपका सब्जेक्ट को फ्रेम के सेंटर में ही फोकस करना पड़ता है। आप इस जोन को लेफ्ट राइट अप डाउन करके इसका पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेंटर फ्रेमिंग करते हो या अगर आप बहुत ही ज़्यादा फोकस और रिकम्पोज करते हो तो आप इस ऑटो फोकस एरिया मोड को यूज़ कर सकते हो। मैंने पर्सनली देखा कि जो वाइड एफ एरिया मोड है या जो जोन एफ एरिया मोड है उन दोनों एफ एरिया मोड से ये जो सेंटर फिक्स एफ एरिया मोड है ये ज़्यादा फास्ट है क्योंकि यहाँ पे आप कैमरा को और भी ज़्यादा स्पेसिफाई कर दे रहे हो कि यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है और सिर्फ यहाँ पे फोकस करने का ट्राई कीजिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में कोई स्टेडी मीडियम या स्मॉल सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो और आपका कैमरा वाइड एफ एरिया मोड में या जोन एफ एरिया मोड में आपका सब्जेक्ट को डिटेक्स या फोकस नहीं कर पा रहा है, या अगर आपका सब्जेक्ट फ्रेम के सेंटर पोर्शन में है, या अगर आप आपका सब्जेक्ट को फ्रेम के सेंटर पोर्शन में फोकस करके उसके बाद रिकम्पोज करते हो तो आप इस एफ एरिया मोड को यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी मीडियम या लार्ज साइज मूविंग सब्जेक्ट को जिसका मूवमेंट प्रेडिक्टेबल है उसको भी इस ऑटो फोकस एरिया मोड में शूट कर सकते हो, पर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट को फ्रेम के सेंटर पोजीशन में आपको रखना पड़ेगा। मैं पर्सनली इस ऑटो फोकस एरिया मोड को यूज़ नहीं करता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे जो ऑटो फोकस एरिया मोड देखने को मिल रहा है वो है स्पॉट, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। तो बेसिकली यहाँ पे भी कैमरा बहुत ही स्मॉल जोन या बहुत ही स्मॉल स्पॉट के जो ऑटो फोकस पॉइंट्स है उसको एक्टिव रखता है और यहाँ पे सेंटर फिक्स से जो डिफरेंस है, सेंटर फिक्स में आप उस ऑटो फोकस जोन को चेंज नहीं कर पाते थे, वो फ्रेम के सेंटर पोजीशन में ही रहता था, पर यहाँ पे आप उस स्मॉल फोकस जोन को आप लेफ्ट राइट अप डाउन करके आपका फ्रेम में से कोई भी जगह पे आप मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप उस स्मॉल स्पॉट या उस स्मॉल जोन के जो साइज़ है उसको आप स्मॉल, मीडियम, लार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में कोई स्मॉल सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो या अगर आप कोई क्लोजअप शूट कर रहे हो पर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर कोई पोर्शन पे आप एग्जैक्ट फोकस पाना चाहते हो या कोई भी सिचुएशन हो आप इस ऑटो फोकस एरिया मोड्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेक श्योर के जो स्पॉट के साइज़ आपने सिलेक्ट किए हो वो आपके सब्जेक्ट या आप जिस जगह पे फोकस कर रहे हो उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, तभी आपको एग्जैक्ट फोकस वहाँ पे मिलेगा। मैं बेसिकली इस ऑटो फोकस एरिया मोड्स को मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल बर्ड्स या जंगल में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टकल हो या बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में जब मैं कोई स्मॉल बर्ड्स को शूट कर रहा हूँ तब मैं इस ऑटो फोकस एरिया मोड्स को यूज़ करता हूँ और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मुझको मिलता है। यहाँ पे इसके बाद जो ऑटो फोकस एरिया मोड है वो है एक्सपैंड स्पॉट। तो ये भी बेसिकली स्पॉट एफ एरिया मोड के जैसा ही है, पर यहाँ पे जो डिफरेंस है यहाँ पे उस स्पॉट के ऑटो फोकस पॉइंट्स के साथ साथ उसके सराउंडिंग जो ऑटो फोकस पॉइंट्स है वो भी एक्टिव रहता है। बेसिकली जब आप कोई भी मीडियम या स्मॉल साइज बहुत ही फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को ट्रैक कर रहे हो तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है कि उस स्पॉट को या उस फोकस पॉइंट को आपका सब्जेक्ट के ऊपर रख के प्रिसिशन के साथ उसको ट्रैक करना। तो इस ऑटो फोकस एरिया मोड में क्या होता है, अगर आपका उस फोकस स्पॉट या उस ऑटो फोकस पॉइंट आपका सब्जेक्ट से थोड़ा सा बाहर भी चला जा रहा है तो उसका जो सराउंडिंग ऑटो फोकस पॉइंट्स है वो आपका सब्जेक्ट के फोकस को मेंटेन रखता है और उसको ट्रैक करता है। और मैं ज़्यादातर बर्ड्स इन फ्लाइट फोटोग्राफी में इसी एक्सपैंड स्पॉट ऑटो फोकस एरिया मोड को यूज़ करता हूँ। अगर आप निकॉन के यूज़र रहे होंगे तो आपको सेम ऑटो फोकस एरिया मोड्स निकॉन में भी देखने को मिलता था और मैं निकॉन में हमेशा इसी ऑटो फोकस एरिया मोड को यूज़ करता था। और यहाँ पे सबसे लास्ट में जो एफ एरिया मोड है वो है ट्रैकिंग, और इसके अंदर अभी तक मैंने जो जो एफ एरिया मोड्स को एक्सप्लेन किया वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
तो बेसिकली यहाँ पे आप आपका सब्जेक्ट को प्राइमरीली फोकसिंग के लिए इनमें से कोई भी एफ एरिया मोड को चूज कर सकते हो, और आपका सब्जेक्ट को फोकस करने के बाद अगर आप शटर बटन को हाफ प्रेस करके होल्ड करके रखते हो, या अगर आप बैक बटन फोकस को यूज़ करते हो तो उस बैक बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखते हो, तो कैमरा एंटायर फ्रेम में से आपके सब्जेक्ट को ट्रैक करता रहता है। यहाँ पे एक बार फोकस लॉक होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपके उस सब्जेक्ट के मूवमेंट के हिसाब से आपका सब्जेक्ट को आपका फ्रेम में रखना पड़ेगा ताकि कैमरा उसको ट्रैक कर सके। और यहाँ पे मैं कहूँगा सोनी का जो एफ ट्रैकिंग है वो सबसे बेस्ट है। इस एफ एरिया मोड में आपका सब्जेक्ट के ऊपर फोकस लॉक होने के बाद अगर आप शटर बटन को हाफ प्रेस करके होल्ड करके रखते हो, तो चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, अगर वो मूव करता है या आप आपका कैमरा को रिकम्पोज करते हो, तो बहुत ही प्रिसिशन के साथ कैमरा उस जगह पे फोकस को ट्रैक करता है। एंड ऑब्वियसली अगर आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ह्यूमन एनिमल और बर्ड आई ट्रैकिंग ऑन है तो कैमरा उसको भी ट्रैकिंग कर पाता है। हालांकि मैंने अभी जो जो सारे एफ एरिया मोड को एक्सप्लेन किया, उन सारे एफ एरिया मोड में भी बर्ड या ह्यूमन या एनिमल आई ट्रैकिंग काम करता है, पर वो उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड जोन में या उस सिलेक्टेड स्पॉट के अंदर ही काम करता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक नीचे कमेंट पे ज़रूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।